बड़ी स्पेशल जगह पर मौजूद हैं। इस जगह का नाम सरशनाथ भुट्टो पब्लिक लाइब्रेरी है, जो कि लाड़काना की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है। फर्दर डिले किए बगैर हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं, तो चलिए आगाज़ करते हैं और आपको सरशनाथ भुट्टो पब्लिक लाइब्रेरी का विजिट करवाते हैं। खूबसूरत बिल्डिंग के फ्रंट पे ये मेरे पीछे आप इसका पार्क देख रहे हैं। गार्डनर की बड़ी मेहनत है जिसने इस पार्क को डेवलप किया है, बनाया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो लाइब्रेरी है जिसका 1985 में पहला पोर्शन है जिसका बुनियाद पड़ा था। तो आइए हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं तो इसका व्यू कैसा है। सीढ़ियों की मदद से हम ऊपर आए। ये है असिस्टेंट डायरेक्टर की ऑफिस, ये है कंप्यूटर सेक्शन। यहाँ पर कंप्यूटर जो इस्तेमाल करने आते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी है कि यहाँ पर कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर सेक्शन के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर ऑडिटोरियम हॉल है। यहाँ पर तकरीबन 1000 के करीब बैठने की गुंजाइश है और यहाँ पर किसी बड़े प्रोग्राम की मैनेजमेंट की जा सकती है। 1000 पार्टिसिपेंट बैठने के लिए जगह बैठ सकते हैं, कितनी कैपेसिटी और गुंजाइश रखी हुई है। ये यहाँ पर आपको तस्वीरें नज़र आएंगी। ये लाइब्रेरी का जो वजूद था उस कायद आम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा था और इसने अपने बाप का नाम उसको दिया इस लाइब्रेरी को। ये सर शहनाज भुट्टो हैं और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुकी है। तो ये हमारे पीछे देख रहे हैं जिन्होंने इस लाइब्रेरी को, इस लाड़काना की आवाम की तालीम को बेहतर बनाने के लिए एक ज़बरदस्त सहूलत दी है। ये लाइब्रेरी का बाहर का हिस्सा जहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर स्टडी करने के बाद जो रिफ़्रेश होने के लिए आते हैं ये पार्क में बैठते हैं, ये वो जगह है। और ये यहाँ पर बच्चे यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इनके रेफरेंस हॉल और मेन रेफरेंस हॉल जो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं, हम उसकी तरफ चल के आपको दिखाएंगे। आज मैंने नबील भाई को यहाँ पर बुलाया था कि भाई आप मुझे थोड़ा सा लाइब्रेरी के हवाले से बताएं। मेन रेफरेंस हॉल के अंदर यहाँ पर कैटलॉग बना हुआ है और आप जो भी अपनी मर्जी का बुक यहाँ पर आपको चाहिए तो आप एक प्रोसीजर के मुताबिक आप इशू करवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मेन रेफरेंस हॉल है जिसमें कम्प्लीट एसी सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पर मुकम्मल शांति और पढ़ाई वाला माहौल जो कि हर लाइब्रेरी में जिस तरह का एक डेकोरम मेंटेन हुआ होता है तो यहाँ पे भी आपको नजर आएगा कि सारे यहाँ पे सिर्फ बैग्स और किताबों के आवाज़ आपको नज़र आएगी, बाकी तो बिल्कुल शांति वाला माहौल नज़र आएगा आपको। और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो इस हॉल की है, कोई 1000 से ज़ायद यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही एक ज़बरदस्त और अच्छा डेकोरम यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। दरअसल ये है चिल्ड्रेन हॉल, ये यहाँ पर छोटे बच्चे उनके लिए सेपरेट सेक्शन रखा गया है यहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे, छोटे बच्चे। और कैपेसिटी फुल होती है तो बड़े भी यहाँ पर आकर बैठकर स्टडी करते हैं। किस परेशानी में हो बेटा? और ये है लिंकोलन कॉर्नर, कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना पुरसकून और बेहतरीन एनवायरनमेंट है पढ़ने के लिए। ये लाइब्रेरी में एसी फंक्शनिंग है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर बैग्स और यहाँ पर अपने बैग्स रखकर आराम से पढ़ने के लिए यहाँ पर रखें। और आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बुक्स यहाँ पर शेल्फ रखें ताकि कोई भी यहाँ पर इशू करवा के मैगजीन पढ़ सकता है। सॉरी एवरीवन फॉर डिस्टर्बेंस, वी आर मेकिंग दिस व्लॉग। से हाय एवरीवन। थैंक यू। ये न्यूज़पेपर सेक्शन है, ये देख रहे हैं ये नौजवान दान पढ़ रहा है और वो हमारे सिंधी अखबार कावच पढ़ रहा है। इस लाइब्रेरी के बाहर और अंदर की तरफ से जो दीवारें हैं वो माशाल्लाह उनके ज़बरदस्त और ओल्ड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के ऊपर ये इनकी दीवारें बनी हुई हैं। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत उनकी डिज़ाइन है, बल्कि ये पुराने और कदीमी
स्टाइल के डिज़ाइन से। इस बिल्डिंग के बाहर का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है, एक बेजे की शक्ल की बनी हुई बिल्डिंग है, नीचे रेफरेंस हॉल है और ऊपर ऑडिटोरियम है और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। इस लाइब्रेरी में मुझे दो तीन दोस्त मिल गए हैं जो कहते हैं कि हम आपके बड़े वाले फ़ैन हैं। आपके चैनल है तो यूट्यूब चैनल पर भाई काफ़ी दफ़ा गए हैं और जब भी मैं अपलोड करता हूँ वीडियोज़ ये भाई देखते हैं। मैं नहीं गया हूँ, अपना नाम बताइए। अभी नबील भाई ने कैंटीन पर हमें मधु किया है, वो कह रहे हैं कि अब थोड़ी सी हम पुरानी यादें ताज़ा कर लें चाय पीकर, तो चाय टेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे पुराने खिदमतगार रशीद भाई जो कि हमें यहाँ पर कैंटीन पे चाय शक्ता है। तो रशीद भाई कहाँ लेके जा रहे हो नबील भाई हमें? अच्छा, हम आपको ऊपर लेके जा रहे हैं जहाँ बुक्स पढ़े हैं, बुक सेक्शन कहा जाता है, बड़े आपको हर एक बुक मिलेगा। अभी हम चल रहे हैं ऊपर, बुक सेक्शन है यहाँ पर, तो चलिए आप भी हमारे साथ। अभी हम ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं बुक सेशन है और वहाँ पर मुख्तलिफ बुक्स यहाँ पर मौजूद होंगे, तो चलिए हम आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं। पर वाजिद भाई ने बताया 1,10,000 से ज़ायद यहाँ पर लातादाद बुक्स पढ़े हैं इन शेल्फों में, जो कि कुछ हमने भी पढ़े होंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे। ये पुराना न्यूज़ का रिकॉर्ड है, इसमें 2002 से लेके 3 से जो जो न्यूज़ पेपर है वो इसमें मौजूद है। हर एक बुक पढ़ी है, फॉरन आथर हो, नेशनल आथर हो, इंटरनेशनल आथर हो, हर आपको एक बुक मिल जाएगी। ईजी और बड़ा एक बेहतरीन सेटअप है इधर लाइब्रेरी में। मैं तो रेगुलर स्टूडेंट हूँ शनवाल लाइब्रेरी का, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर में मज़ा नहीं आता जितना लाइब्रेरी में मज़ा आता है। झूठे, घर से चल झूठे, ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी को देते हैं। चल झूठे पर इत्माद कर सकते हैं। थैंक यू इत्माद करने के लिए। थैंक यू वकार भाई। आज का व्लॉग हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा और बेहतरीन जगह जो लड़काना की एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और ऐसा समझे कि तालीमी मरकज़ है, हमने आज इसका आपको टूर करवाया और आज की व्लॉग को यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।